फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं जेल चुंगी चौराहे पर मेरठ शहर में। देख सकते हैं यहां पर जाम की जो हालत रहती है, शाम होते होते बहुत ज़्यादा उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जाम को संभालने की। इससे बड़ी जो चुनौती यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे पास वो ये है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट जो डेवलपमेंट उसके अंदर आया है वो ये आया है कि पूरे देश भर में आपको रूल्स फॉलो करने आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पे अलाउ किया गया लोगों को कि प्लीज़ आप रूल्स को फॉलो करें, लेकिन देखना ये है कि कितने रूल्स फॉलो हैं। आप देख सकते हैं कितने रूल्स फॉलो हैं। सर, आपका हेलमेट कहाँ, आपसे पूछ सकते हैं हम? सी, कोई जवाब नहीं है किसी के पास, क्योंकि होगा भी नहीं, क्योंकि सबको अपनी मन की करनी है। देश यहाँ पर रोज बोला जाता है आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर यहाँ पे पूछें कि आप क्यों आपने हेलमेट नहीं लगाया, तो वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको बोलते हैं हमें यहीं तक जाना है, वहाँ तक जाना है, इस करके वो हेलमेट नहीं लगा रहे। हालांकि जो हेलमेट लगाना है वो आपको अपनी जान की सुरक्षा के लिए लगाना है, किसी को आपकी जान से कोई लेना देना नहीं। आप हेलमेट लगाइए मत लगाइए, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि अभी भी लोग रूल्स फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि उनको रूल्स फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है? क्या एक हेलमेट लगाने कितनी बड़ी चीज़ है जो आप इतना सा रूल फॉलो नहीं कर सकते? हम यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर थे, इनसे पूछे। सर, यही है कि मैडम कहते हैं कि हम पास में रहते हैं, यहाँ यही हमारा घर है, यहाँ पर लगाएंगे हम क्या? और ज़्यादा करते हैं तो किसी के फ़ोन मिला के फ़ोन हाथ में दे देते हैं, लो बात कर लीजिए। तो कितने ऐसे लोग, मतलब जितने लोग यहाँ पे रोड पे ट्रैवल करते हैं, तो क्या कुछ सुधार आया है, लोगों ने हेलमेट लगाना शुरू किया है, या हेलमेट को नहीं रूल्स फॉलो करने की अगर बात करूँ तो बहुत तेज़ कट जो लोग चौराहे पर मारते हैं एकदम से, कोई इंडिकेटर नहीं देता, ये सारे रूल्स के अंडर फॉलो होने चाहिए जो कि नहीं हो रहे, तो क्या कोई सुधार आया है? हाँ मैडम, जब से ये नया एक्ट लागू हुआ है उसमें सुधार आया लगभग इससे, हाँ ये तो नहीं कह सकते कि 50% पर, हाँ 30-40% का इसमें सुधार है। हाँ लगा रहे, कुछ वे ही बंदे हैं जो जिन्होंने पहले भी लगाना और बाद में भी लगाना, उन्हें उनको यही करना है कि मैं यहीं पास में रहता हूँ, मेरे जानकार पुलिस में है, लो उनसे भैया से बात कर लो, या मेरा कोई जानकार पत्रकार उससे बात कर लो, बस वे ही नहीं लगा पा रहे, नहीं लगभग और सब रोल को फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े कमिश्नरी साकेत चौपले पर, जिसे कमिश्नर आवास चौपला भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए कितने लोग हेलमेट लगा रहे हैं, कितने नहीं लगा रहे हैं। उससे बड़ी बात यहाँ पे कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं, कि रोड पे कैसे कट ले रहे हैं, कैसे नहीं ले रहे हैं। बात कैमरा पर्सन से बोलूंगी, जूम करके दिखाएं कि कितने लोगों ने यहाँ हेलमेट लगाया, कितने लोगों ने नहीं। बताया जा रहा है कि 80% इम्प्रूवमेंट आया है, सुधार हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी अभी विंस नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं कई चौराहों पर देखा जा रहा है कि ओनली 20-30% लोग ऐसे हैं जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हेलमेट क्यों नहीं लगाया मैडम? हेलमेट बिकॉज हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, मेरी बहन एडमिट थी ना, इसलिए मैं जल्दी में थी तो मैं आ गई। अच्छा, तो कहीं पे लिखा हुआ था हॉस्पिटल में कि आपको हेलमेट नहीं? नहीं नहीं मैम, सॉरी। आप देख रहे हैं आपके साथ कितने सारे लोग हैं, आपको आपकी सेफ्टी की परवाह नहीं? हाँ दो हैं। क्यों नहीं लगा? बिकॉज मैम मैं जल्दी में थी, मुझे कहीं और भी जाना है, इसलिए। सबको जाना है हेलमेट चलने के लिए ये रोड पर, लेकिन मेरे पास हेलमेट था नहीं उस टाइम पर, नहीं था ना, इसलिए मैंने पहना नहीं। व्हाई यू नॉट वेयरिंग इट? This is the first time I'm not wearing. Seriously, I forgot my at home. Seriously, to be honest, मैं डेली यहाँ से जाती हूँ, and ये first time है कि मैं हेलमेट नहीं। What it's important for yourself? Yes, yes, I know. But sorry, I will not do this again. I will not forget. 100%. हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट मैं मेरा रह गया यहीं पे, यहीं रह गया, जहाँ से शॉप से लेके आया हूँ अभी मोटरसाइकिल, वहीं पर रह गया। तो हेलमेट तो मस्त है। हाँ तो अभी लगा लूँगा, अभी लगा लूँगा। ऐसे हर बार रह जाता है, सब लोग यही बोलते हैं। ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे क्यों रहेगा? ऐसे तो अभी फिर चालान कटेगा, तो फिर आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ यस, वी हैव टू बी, वी हैव टू बी। तो प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद हेलमेट के बिना गाड़ी? श्योर मैम, थैंक यू। आपने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, लेकिन आपने कहा कि आपने 10 मिनट पहले हटा दी, क्यों हटाई? हटा दी बस, यहाँ से बेटी का स्कूल आने वाला था, इस वजह से हटा दी। अगर भगवान न करे इस बीच में कोई हादसा हो जाता, सीट बेल्ट आपको बचा पाती? नहीं, बचा पाती सर, ये तो बात सही है मैम। तो आप वादा कीजिए आज के बाद आप सीट बेल्ट? आज के बाद नहीं, आज के बाद सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी चलाऊंगा, वादा हो। क्या नाम है आपका? श्वेता। आपने क्यों नहीं पहना हेलमेट? ड्यूटी से आई थी, लड़के के फीवर हो रहा है तो वो फोन कर रहा है बार बार, तो इस वजह से भागे जा रहे। आप सोच सकते हो कि आप इतने इम्पोर्टेंट जगह पे जा रहे हो और आप खुद हेलमेट नहीं पहन रहे हो, रास्ते में कुछ हो जाए? सॉरी,
आपको लगता है आप ये चालान ना भरने के सॉरी कुछ करें? नहीं, चालान की बात नहीं है, जब बच्चे बीमार होते तो आपको भी पता है उसके सुबह बुखार हो रहा है और माँ 8 घंटे से दूर है, तो माँ को अपनी सेफ्टी की भी तो परवाह होनी चाहिए ना मैडम। अगर आप अपनी सेफ्टी की परवाह नहीं करोगे, आप बच्चों का ख्याल कैसे रखोगे? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। प्रॉमिस कीजिए कि आप हेलमेट लगाओगे। प्रॉमिस, हमेशा। व्हाई यू नॉट वेयरिंग योर सीट बेल्ट? एक्चुअली मैं भूल गई अभी मैं यहाँ पे रुकी थी तो पैसे निकलवाए उसके बाद फिर भूल गई। आपको सीट बेल्ट लगा के चलना, आपको पता है ना ये रूल है, और इट्स नॉट फॉर रूल, आपकी सेफ्टी के लिए। ऑफ कोर्स। तो प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद तो आप सीट बेल्ट नहीं भूलेंगे। नहीं, मैं भूलती नहीं हूँ जनरली, लेकिन ऐसा होता है जैसे कहीं गाड़ी रुक जाती है उसके बाद मेरे को याद नहीं रहता है कि हाँ ये रह गया। मैडम सुनो मेरे, नहीं नहीं हेलमेट क्यों नहीं लगाया? नहीं बच्चा ये ऐसा होता बच्चे के इसे सैंडल के मार। व्हाई वर यू नॉट वेयरिंग योर हेलमेट? आपके पास हेलमेट आपने तब भी नहीं पहना हुआ है मैडम। बहुत गलती से ना पहना। चलो कोई बात नहीं, सॉरी। आपको पता है ये सिर्फ रूल्स के लिए नहीं, आपकी सेफ्टी के लिए। आप प्रॉमिस कीजिए पहले आज के बाद आप हेलमेट के बिना गाड़ी नहीं चलाएंगे। हेलमेट के बगैर प्रॉमिस। देख लीजिए रोड पे कैमरे लगने वाले थोड़े दिनों में पक्का, वरना चलान घर पहुंचेगा सीधा। मैडम आप रोज इनके साथ जाती हैं? नहीं, ये तो हम कहो गए थे। अच्छा तो रोज आप उनको सब बोलना है ये ठीक। सर ये नए एक्ट के आने से क्या लोग सच में जागरूक हो रहे हैं? हाँ, इसके प्रति जो है लोग काफ़ी गंभीर है और अपना जो सभी हेलमेट लगा के चल रहे, काफ़ी कागज अपने पूरे करके चल रहे हैं, इससे काफ़ी फर्क आया है समाज में। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो वो कहाँ पर है? पर थोड़ी बहुत तो यही कमी है कि सभी जो है इसमें सहयोग करे तो ज़्यादा बढ़िया हिसाब बनेगा, सभी ठीक ठाक चलेंगे अपना लोग संभल के। सभी की सुरक्षा है हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से, थोड़ी बहुत है वो धीरे धीरे सब दूर हो जाएगी। तो इस लहजे से अब ये देखना होगा कि लोगों के अंदर जो एक डर है वो अपनी जान की परवाह को लेकर वो अभी तक क्यों नहीं बैठ पाया है, क्योंकि हेलमेट का जो रूल लागू हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि आपकी अपनी सेफ्टी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे उनके आंखों के सामने से भी कई लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। हमारी टीम फर्स्ट बाइट की टीम यहाँ पर खड़े होकर खुद यहाँ पर ये मुआयना करे कि यहाँ पर लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपसे मैं एक अपील यहाँ पर करना चाहूँगी कि बीइंग सोशल वर्कर और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप भी रोड पे चलते हुए लोगों को बोल सकते हैं कि आप हेलमेट लगाइए, रूल्स को फॉलो करिए। हमेशा ये सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की या फिर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की ही जिम्मेदारी नहीं है, एक जनता का एक नागरिक होने के नाते, आप कह सकते हैं सतर्क नागरिक होने के नाते, आपका भी हक और आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को रूल्स के बारे में। अब क्यों नहीं लगाया था आपने हेलमेट? ऑफिस पर रखा था वो तो सबका रखा होता है, लेकिन हेलमेट तो रोड पे निकलने के चलाने के लिए जरूरी है ना। माना हम लोग आपके सेवा में हैं, जिस कैमरे जो लगे हुए उनके लिए वाले हैं लोग, इसलिए थोड़ी मजबूरी है हमारी। और आप खुद अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे? मैडम आगे सॉरी गलती होगी, आगे हम ध्यान रखेंगे। अभी तक कितने चालान कट रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर, की क्या कोई इम्प्रूवमेंट आया? हाँ स्थिति बहुत अच्छी है और करीब करीब 95% लोग हेलमेट लगा के चल रहे हैं, सीट बेल्ट भी ज्यादातर लोग चला के चल रहे हैं। सुबह मैंने 6 बजे से ड्यूटी थी, 6:30 बजे में आया, उसके बाद मैंने 16 चालान किए थे सुबह, दोपहर तक 2 बजे तक 16 चालान किए थे, उसमें 10 हेलमेट के और 5 सीट बेल्ट के। लेकिन सड़क पे जो है 95% हेलमेट लगा के चल रहे हैं लोग, बाग जो नहीं चल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। अब तक 19 चालान काट चुका हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुधार तो आ रहा है, जो सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है, एक पहल छेड़ी है पूरे देश भर में, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। आप भी सड़क पर निकलें, टू व्हीलर पर निकल रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट लगाएं, आप कार से जा रहे हैं तो प्लीज़ सीट बेल्ट लगाएं, अगर आपको अपना चालान नहीं कटवाना है। और इससे चालान की बात नहीं बल्कि एक सेफ्टी की बात है, तो ये एक मैसेज हम सबकी तरफ से आपके लिए है कि आप लोग प्लीज़ रूल्स को फॉलो करें और आसपास के लोगों को भी रूल्स फॉलो करने के लिए कहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से ऐसी और अपडेट्स को लेकर शहर में क्या चल रहा है, क्या रही पूरे देश की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप तक ज़रूर लेके पहुँचूंगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।